फिर अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चाइनीज माल कभी टिकता नहीं है और ऐसा ही हुआ है उनके साथ, और इस बारे में चीन के ही एक व्यक्ति ने वीचैट पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया, लेकिन चीन की पीएलए ने उसे गिरफ्तार कर माफी मंगवा ली। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए एक नागरिक को चीन ने हिरासत में लिया। डोंगफेंग सपोर्ट यूटिलिटी वाहन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई खराब गुणवत्ता वाले सैन्य वाहनों और इस कंपनी में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा था कि चीन की इस कंपनी की खराब गुणवत्ता वाले जो व्हीकल थे उनकी वजह से उनके सैनिक एलएसी पर हताहत हुए। आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने वीचैट पर इस संदेश को पोस्ट किया था। इसके बाद डोंगफेंग कंपनी ने पुलिस को भेजकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया। हिरासत में लेने के बाद इससे माफी मंगवाई गई। डोंगफेंग कंपनी अपने आप को चीन की राष्ट्रीय रक्षा के उपकरण बनाने में नंबर वन सैन्य वाहन निर्माता के रूप में जानी जाती है और वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करती है, लेकिन दोस्तों ऐसे में उसकी ब्रांड को खराब किया गया जो कि हकीकत भी थी। और वाकई में चीन के लोगों को भी मालूम है कि उनके सैनिक वहां पर हताहत हुए, कई मारे भी गए, और जिसकी वजह थी उनके खराब गुणवत्ता वाले ये जो व्हीकल है जो कि चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। इन सब को लेकर एक खुलासा हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ चीन दुनिया के सामने बोलता है।